आज हम लोग इवोल्यूशन के डिफरेंट थ्योरीज के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारी थ्योरीज आई, कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जो कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंस हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे सबसे पहला आता है लैमार्किज्म। लैमार्किज्म की थ्योरी सबसे पहले जीन पेप्टिस्टेट लैमार्क ने प्रपोज की थी और ये इवोल्यूशन की सबसे फर्स्ट थ्योरी मानी जाती है। इन्होंने जो लैमार्किज्म अपनी थ्योरी प्रपोज की थी, उस बुक का नाम था फिलोसॉफी जूलॉजिक। इसके इनके अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव, इन्वायरमेंट का प्रभाव डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स पर पड़ता है, जिससे वह विभिन्न ऑर्गन्स को यूज़ करता है या नहीं करता है, कम यूज़ करता है, ज़्यादा यूज़ करता है या नहीं करता है यूज़। टेंड्स टू इंक्रीज द बॉडी साइज बाय द इंटरनल फोर्सेज। तो जिन ऑर्गन्स को यूज़ करता है और वो चाहता है कि वो अंदर से एक जोर लगता है, एक फोर्स, इंटरनल फोर्स अराइज होती है कि वो बॉडी ऑर्गन्स और ज़्यादा मजबूत होता जाता है और ज़्यादा ऑर्गन्स डेवलप करते चले जाते हैं। एक इस तरीके से इंटरनल फोर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गन्स के प्रति ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट हो जाता है और वो ऑर्गन ज़्यादा मजबूती से डेवलप करता है। फिर उसके बाद तीसरा आता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब जगह सेकंड पॉइंट में अगर हम लोग जैसे बात करें तो देखिए, हम लोग बाएं हाथ से कम काम करते हैं, दाहिने हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, तो बाएं हाथ पर ज़्यादा जोर लगता है, ये कहने का कह रहा है सेंस। तीसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो भी कैरेक्टर्स अगर होता है, चेंज होता है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो भी हम पाते हैं वो इनहेरिटेंस होता है, उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। एंड चौथा है यूजेज एंड डिसयूजेज ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का यूज़ और डिसयूज़, मतलब उस अंगों का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया। इस तरीके से हम इस बेसिस पर एक नए ऑर्गेनिजम्स की डेवलप होती है, लंबे समय तक ये चेंजिंग होती रहती है और एक लास्ट में इवोल्यूशन होता है, एक नई स्पीसीज डेवलप करती है। लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा इसमें क्रिटिक्स हुए इसमें, और वीजमैन ने सबसे ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज किया और उन्होंने एक थ्योरी दिया था, जर्म प्लांट्स थ्योरी। उन्होंने क्या किया कि माइस को लिया, चूहों को लिया और चूहों के कई जनरेशंस तक उन्होंने पूंछ को कट किया। उन्होंने कहा कि हमने तो एनवायरमेंट का प्रभाव इस पर डाला कि इसको हमने पूंछ को कट कर दिया, माइस के पूंछ को, इसके टेल को कट कर दिया। अब टेल कट हो गया तो इसकी टेल तो इसने इस्तेमाल नहीं किया, यूज़ तो कुछ नहीं किया, यूजेज एंड डिसयूजेज ऑफ ऑर्गन्स हुआ। तो इस हिसाब से इसको तो ग्रोथ नहीं करना चाहिए था, लेकिन 22 पीढ़ियों तक, सेवरल जनरेशंस तक इन्होंने देखा, सेवरल जनरेशंस तक देखा कि नहीं, सारी जनरेशन में पूछे हो रही हैं और लास्ट जनरेशन का भी देखा उन्होंने, तो वही साइज थी, वही लेंथ थी, ये नहीं कि उसमें थोड़ी सी भी कमी हो गई हो थिकनेस में या लेंथ में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब ये गलत बात है उनके, और इस बात से लैमार्क के थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। और भी कई क्रिटिक्स थे, लेकिन ये भी एक मेजर एक्सपेरिमेंट था, मेजर बात थी जिससे लैमार्क की थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा कि जब तक जर्म सेल्स में जब तक कोई चेंज नहीं होता है, तब तक वो नेक्स्ट पीढ़ी तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। नेक्स्ट आता है डार्विनिज्म। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, और उन्होंने 1859 में अपने डार्विनिज्म को द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बुक में लिखा। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि ओवर पॉपुलेशन, ये थ्योरी हम फॉलोइंग हेडिंग्स के अंतर्गत समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत ओवर पॉपुलेशन और इनॉर्मस फर्टिलिटी होती है, मतलब हर एक जीव के अंदर बच्चे पैदा करने की एक प्रचुर क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे पैदा कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए लड़ाई। हर एक ऑर्गेनिज्म अस्तित्व के लिए लड़ाई करता है, फूड और स्पेस के लिए लड़ाई करता है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, हर एक ऑर्गेनिज्म वातावरण से स्ट्रगल करता है, लड़ाई करता है,
फाइट करता है ठंडी में गर्मी में, तो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बचने की कोशिश करता है और सर्वाइव करने की कोशिश करता है, जैसे रेन में, फ्लड में, फेमाइन में, अर्थक्वेक्स में, अकाल में। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन जो शब्द दिया ये दिया डार्विन ने, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये जो कोटेशन दिया ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। दोनों का मतलब सेम है लेकिन कहने का तरीका डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर, कि नेचर ने सेलेक्ट किया तो नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जो स्ट्रांग रहेगा, जो वेल एडॉप्टेड रहेगा, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो फिट है वही जिएगा। मतलब क्या हो गया कि जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है वही फिट है वही जिएगा। तो दोनों का मतलब सेम ही है लेकिन बस कहने का अंदाज यहाँ अलग अलग है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिस भी ऑर्गेनिज्म में जो भी चेंजेस हुए वो हेरिटेबल चेंजेस हुए, और वो हेरिटेबल चेंजेस अगर गुड क्वालिटी के हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, एडेप्टेटिव क्वालिटी के हैं, तो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन में एडॉप्ट करेगा और वो सर्वाइव करेगा, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा, वो उस एनवायरनमेंट के लिए फिट हो गया, और वो क्या करेगा धीरे 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 एक नई स्पीसीज को डेवलप करेगा, और इस तरीके से एक नई स्पीसीज बनेगी। और छठा पॉइंट आ जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय और स्पेशिएशन, और इस तरीके से एक नई स्पीसीज बनती है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ये कहता है कि कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं है इसके लिए कि हाँ यही एक रूल है, यही एक कॉज है जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। सेवरल फैक्टर्स, सेवरल रूल्स, सेवरल फिनोमिनॉन ऑकर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ कई रूल्स कई फिनोमिनॉन ऑकर्स होती हैं, और धीरे 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 काफ़ी लॉन्ग टाइम में तब जा कर के इवोल्यूशन होता है। इसके बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया था, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे फिशू, हाल्डेन, सेवेंस एट्सेट्रा। डॉब्जिनेस्की ने एक बुक लिखी थी 1937 में, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जैसे जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, स्पेशिएशन, ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो स्पेशिएशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कुछ मेजर ये थ्योरीज थी जिसको हम लोगों ने आज स्टडी किया, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में। थैंक यू।